में बोले नाथ मुझे तो त्याग की पहचान मिले, हर जन्म में बोले नाथ मुझे तो त्याग की पहचान मिले। जमींदारे में ऊंचा नाम मिले, ऊंचा नाम जग सारे में, मरोड़ मिले ना पैसे की भाई खूबियों से भारे में, खूबियों से भारे में। दीन दुखी की सेवा में भाई खड़े सुबह और शाम मिले, हर सुनते हैं मुकामा ने थोड़ा सा डाल दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा बारिश हो चुका है और डीजे मतलब आगे भी जा चुका है, तो मैं आपको बर्फ की वजह अपडेट दे रहा हूँ। और बारिश भी गाइस यहाँ पे कुछ कम हो चुकी है। जी हाँ, बारिश रह रहा है कि हो रही है, रह रहा है कि छूट भी रही है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मुकामा का। तो चलिए देख सकते हैं गाइस, अभी थोड़ी थोड़ी देर में मौसम भी साफ हो चुका है और बारिश भी छूटने की कगार पर है। और अभी हम मसुरा मंदिर पहुंच चुके हैं। जी हाँ, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि मैं मोकामा की पल-पल की अपडेट आपको दूंगा, लेकिन बारिश होने के कारण मैं आपको नहीं दे पाया और मेरा मोबाइल भी खराब हो चुका है। इस तरह के हर एक साल यहाँ पे माहौल क्रिएट होता था मोकामा में परशुराम जयंती पे, और इस बार उस तरह का माहौल नहीं रहा क्योंकि बारिश होकर यहाँ पे सारा मूड को खराब कर दिया गया है। जी हाँ, तो चलिए जो हुआ जो सही, लेकिन इस बार मोकामा में जो परशुराम मेला, जय श्री राम। हेलो गाइस, आप सभी को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। जी हाँ, तो मैं भी मौजूद हूँ मोकामा परशुराम स्थान मंदिर, जो कि आप लोग जानते हैं मोकामा में राजकीय महाउत्सव मेला यहाँ पे मनाई जाती है। जी हाँ, जिस दिन का सब लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है परशुराम जयंती का, वो दिन आ गया है। जी हाँ, तो आज मोकामा में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई है। और आइए यहाँ पे जानना चाहते हैं कि यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई है लेकिन बीच में कुछ मौसम इस तरह खराब हो गया है, क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ के परशुराम समिति के कुछ सदस्य मौजूद है, इनसे मिलने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? अशोक कुमार मुन्ना। जी हाँ, जैसे कि हर एक साल मोकामा में परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकाली जाती है भव्य ढंग से। जी हाँ, इस बार मतलब बारिश होने के कारण क्या प्रभाव पड़ा है? तो भगवान का दिन है और भगवान का जन्म उत्सव मनाने के लिए इन्हें भगवान ने पानी पड़ाए। जी बहुत खुशी का बात है, बहुत उल्लास के साथ पूरे नगरवासी हम लोग पानी में झूमते नाचते गाते हुए बाबा परशुराम के शरण में आए हुए हैं कलश यात्रा में। और कल से श्रीमद् भागवत महापुराण और यहाँ यज्ञ मंडप में हवन मान यज्ञ भगवान का आह्वान होगा, उसके बाद एक सप्ताह का हम लोग का कथा प्राण और यज्ञ बाबा परशुराम के उत्सव में मेला चलेगा पूरे ग्रामवासी के साथ। जो लोग मतलब ये शोभा नहीं देख पाए हैं बारिश के कारण, जैसे कि आप देख रहे थे बारिश, इंद्र भगवान रुक रुक के कभी तेज हो रहे हैं, कभी स्लो हो रहे हैं, कभी गिरजी चमक रहा है, तो इस पर आपको क्या बोलना है? ये तो अकल्पनीय है ना, भगवान के काज और बारिश को कोई दोनों रोक नहीं ले सकता है। भगवान का काज होवे करेगा, उनका इच्छा होगा तो बारिश पड़वे करेगा। तब मोकामा में टोटल इस बार कितने मतलब कलश यात्रा उठाई गई? इस बार टोटल कलश 1100 प्लस। तो कल के बारे में यहाँ की जनता को क्या बोलना चाहेंगे, पब्लिक को? आगंतुक जितना आवे, बाबा परशुराम के हम लोग वंशज हैं और इनका उत्सव मनाया जाए जन्म, और उसमें सबको बोलेंगे, निमंत्रण भी देंगे। जी हाँ, चुनाव चल रहा है अभी, चुनाव का भी आनंद लेते हुए
मतलब बाबा का जन्म चुनाव में क्या लगता है मुकाम राजनीतिक से कोई लेन देन बाबा पसंद के यहाँ नहीं। ठीक है आइए यहाँ पर और बात करते हैं। यहाँ पे मौजूद है रोशन भैया, आप लोग तो इंडिया जानते होंगे रोशन भारद्वाज जी। हाँ आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले सर आपको हमारा चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो यहाँ पे हर एक साल मोकामा में शोभा यात्रा निकाली जाती है बड़े ही धूमधाम से, यानी कि हर एक साल कुछ ना कुछ अलग चेंजिंग को यहाँ देखी जाती है। इस बार भी कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ है मोकामा में, लेकिन बारिश पड़ जाने के कारण कुछ लोग नहीं देख पाए मोकामा के, तो इसके बारे में वो क्या कहना है? देखिए सनातन धर्म में जो है ना जब भी कोई यज्ञ होता है तो बारिश होना शुभ माना जाता है ना। और ये परशुराम मंदिर का भी परंपरा रहा है कि गर्मी के मौसम में भी 2-4-10 बूंद भी बारिश होना अनिवार्य है। ये एक प्रथा है, एक समझिए कि एक अकल्पनीय अविश्वसनीय बातें हैं जो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक बताना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं कि सनातन धर्म का एक रीति है कि जब भी कोई यज्ञ या काज होता है ईश्वर से रिलेटेड तो बारिश होना अनिवार्य होता है, ये शुभ माना जाता है। तो जो लोग मतलब इस शोभा यात्रा को नहीं देख पाए हैं, जैसे कि हर एक साल यहाँ पे रोड पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग जाती थी शोभा यात्रा को एक झलक पाने के लिए, तो इस बार बहुत लोग नहीं देख पाए हैं क्योंकि मोकामा में बारिश हुआ है और जहाँ तहाँ जल जमाव भी हो गया था, तो इस बार वो क्या कहना है? देखिए मंदिर में आप कैमरा को घुमाकर देखिए तो आपको हर घर से लोग दिख जाएंगे, सभी लोग मौजूद हैं, सभी लोग ईश्वर के सेवा में, अपने धर्म सनातन के सेवा में सभी यहाँ मौजूद हैं, सभी आनंद उठा रहे हैं, है ना। कहीं से कोई ये नहीं कि नहीं है, ऐसी शब्द नहीं है, है ना। तो जैसे कि हम मोकामा प्रसाद मंदिर पहुँचे और उससे यहाँ अचानक बारिश कम हो गया, बारिश छूट ही गया, देख ही रहे मौसम बहुत अच्छा कर रहा है, तो सच में लग रहा है इंद्र भगवान आप खुश हो गए। देखिए सनातन की परंपरा है, आपको पहले भी बताया ना कि सनातन की परंपरा है कि कोई भी यज्ञ होगा तो बारिश होना अनिवार्य है, ये शुभ माना जाता है, चाहे मौसम कोई भी हो, ठंड का मौसम हो, गर्म का मौसम हो, बरसात नहीं हो, लेकिन 2-4-10 बूंद भी बारिश होगी, ये सनातन का एक परंपरा है, ये यज्ञ शुद्धिकरण का एक समझिए कि मैसेज है ईश्वर के द्वारा, है ना। थैंक यू सर। सर आपका नाम क्या हुआ? ईश्वर कुमार। तो क्या कहना चाहते हैं प्रसाद मंदिर के बारे में, जैसे मौका में हर एक साल हम सबसे अखिल क्यों पूछ रहे हैं, जैसे कि मौका में हर एक साल जैसे कि हम पूछना चाह रहे हैं निकाली जाती है शोभा यात्रा, इसमें और क्या करना है? ये शोभा यात्रा है ना, जितने जगह भी निकलता है उस सबसे मोकामा में ये भिन्न शोभा यात्रा देखने को मिलेगा आपको। और जब से हमको होश हुआ है तब से हम देखते हैं कि परशुराम बाबा का जितना भी कलश यात्रा आज तक निकला है हर बार कुछ न कुछ आपको चमत्कार दिखा देखने को मिलेगा। 5 दिन पहले आप खुद जानते होंगे कि आज 9 मई है, 9 मई 2024 है, किस ढंग का गर्मी चल रहा था, और वही आज के ही दिन, आज के दिन जिस दिन में कलश यात्रा माने कि मोकामा से निकाला गया बाबा परशुराम जी का, इस दिन झमाझम बारिश देखने को मिला। जब तक मेरा कलश शुरू हुआ, कलश शुरू होने से पहले कोई मौसम बढ़िया था, कलश जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे अपना मौसम में बदलाव हुआ और उसके बाद पड़ना शुरू हो गया पानी, और यहाँ आने के बाद पूरा एकदम देखिए छूट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मंदिर के बारे में क्या कहना है, परशुराम मंदिर के बारे में इस पर क्या कहना है? बाबा परशुराम मंदिर जी का बारे में यही कहना है कि जिस समय मुगल काल में जिस समय अथी आते थे, माने कि उस समय तो राजा महाराजा के अपना था अपना यहाँ पर, तो वो यहाँ से गुजर रहे थे, तो गुजरने के दरमियान में मानिए कि वहाँ से गुजर रहे थे तो पूछे थे कि मंदिर क्या है नहीं है, तो अपना वो बोला कि हम गाय को काटते हैं, गाय को जिला दीजिए, तो वही यहाँ के जो पुजारी जी थे उस समय, माने कि मुगल सम्राट जो था अपना राजा था अपना जो मन होता था वो अपना करता था, तो गाय को माने काट के छोड़ दिया, और यहाँ का जो पुजारी थे अपना पूजा पाठ किए, उसके बाद उसको लाल चादर से ओढ़ा दिए और माने कि गाय जीवित हो गया। थैंक यू सर। तो रोशन भैया से हम बात करना चाहेंगे, रोशन भैया मंदिर का यहाँ का विशेषता क्या है? यहाँ पे दूर दूर से लोग श्रद्धालु को हम घूमने आते हैं, खास कर परशुराम मंदिर जी हाँ, तो इस पे आपको क्या करना है, इस मंदिर की कुछ विशेषता बताइए हमारे दर्शकों को, देख रहे हैं। ये प्राचीन मंदिर है ना जी, ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है जी, और इस मंदिर की एक प्रथा है प्रचलित है कि सोमवार को विशेष पूजा होता है। पूरे सृष्टि में 8 चिरंजीवी देवता है,
है, जैसे हनुमान जी हैं, परशुराम बाबा हैं और भी छः हैं, तो ये सात है, सात चिरंजीवी में एक बाबा परशुराम भी आते हैं, चिरंजीवी हैं और इन्हें जो है अन्याय के खिलाफ है ना, अन्याय को ख़त्म करने के लिए माना जाता है, जाना जाता है। ये एक ऋषि जमदग्नि भगवान के पुत्र हैं और इन्होंने बुराई का पूरे सृष्टि से सर्वनाश किया है और मोकामा का ये मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में सच्ची श्रद्धा और भक्ति लेकर पूजा करता है, आरती करता है, उसका मनोकामना पूर्ण होता है, है ना जी। और हर वर्ष बाबा परशुराम के जन्म उत्सव पर यहाँ पे यज्ञ होता है और 6 से 7 दिनों तक यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम चलता है, भंडारा चलता है, सभी मोकामावासी हर्षोल्लास से इस यज्ञ को करते हैं और पूरे देश से, है ना, पूरे देश से यहाँ पर लोग इस मंदिर को देखने, यहाँ का पूजा देखने, यहाँ का यज्ञ देखने आते हैं और आनंद उठाते हैं, है ना। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि यह यज्ञ आज से प्रारंभ हुई है, आज 9 तारीख से और 16 तक चलेगी, तो आप सभी श्रद्धालु आएँ और इस मंदिर और इस बाबा परशुराम के आशीर्वाद को प्राप्त करें, है ना। यह मंदिर का बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में, मोकामा के लोगों के बीच में श्रद्धा है और पूरे विश्व में बाबा परशुराम एक दयालु ईश्वर के रूप में जाने जाते हैं, भक्तों के प्रति अपना प्यार लुटाने वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं और आज तक कोई भी इनके दरवाजा से खाली नहीं गया है, ये मान्यता है। जो भी कुछ यहाँ इस दरबार से अपने संतान प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए जो आते हैं उनका पूरा होता है। तो भैया यहाँ पर मेरे सवाल पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग मकान में जाने इलेक्शन है और इलेक्शन में लेके जैसे कि शांति माहौल रहेगा, तो ये इस बार मतलब शोर सर्वाइस पर मतलब होगा या नहीं होगा मंदिर में? देखिए 13 तारीख को जिस दिन चुनाव है उस दिन केवल पूजा का काम होगा, मेला नहीं उस दिन लगाया जाएगा, बाकी दिनों 16 तक मेला लगेगा और पूरे श्रद्धा भक्ति से की जाएगी, चूँकि ये पौराणिक कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम चलते आ रही है और चलते रहेगी। हाँ, चुनाव जिस दिन है उस दिन थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, है ना, बाकी दिन चालू रहेगी, बाकी दिनों को ये चालू रहेगी, है ना। आपके चैनल के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं कि आप लोग सभी श्रद्धालु भक्तजन आएँ और पूजा अर्चना में शामिल हों, भंडारा में शामिल हों और यहाँ कथावाचक भी शाम के शाम कथा प्रस्तुत करेंगे अपने मुखारबिंदु से, अमृतवाणी के माध्यम से हम लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। आप सभी श्रद्धालु से आग्रह है कि आएँ और इस मधुर वाणी का, अमृतवाणी का आनंद उठाएं, है ना। थैंक यू सर। तो गाइस